परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर सबात। आईजी इस्लामाबाद अदालत के रूबरू पेश ना हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप पूछ लें आईजी साहब कैसे आना चाहते हैं। जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ ने कहा कोशिश करनी चाहिए, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है उसका ख्याल रखें। डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान ने जवाब जमा करवा दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे सुलेमान आवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुलेमान आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं समात के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने सादिक वजीर अला पंजाब परवेज इलाही को घर बाहिफाजत ना पहुंचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रिमार्क में कहा कि अगर अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है तो उसको बरकरार रखे। अदालत ने केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एडवोकेट जनरल पंजाब को हदायत की कि आप चेक कर लें कि आईजी इस्लामाबाद कैसे आएंगे। जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ ने कैसा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान आईजी इस्लामाबाद को पेश ना होने पर रिमार्क दिए कि हमें मुनासिब नहीं लगेगा कि आईजी इस्लामाबाद को हम किसी और तरीके से बुलाएं। अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो इसको बरकरार रखें। अदालत ने इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवाएगी जिसमें मुताबिक डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने तो इन्हें अदालत नहीं की और इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया है। अदालत के हुक्म पर डीआईजी ऑपरेशन अली नासर रिजवी और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर अदालत के रूबरू पेश हुए। परवेज इलाही के वकील ने पुलिस रिपोर्ट पर जवाब देखने के लिए मोहलत तलब कर ली। दरख्वास्त में मौके पर तैयार किया गया था कि अदालत ने पुलिस अफसरान को बाहिफाजत घर पहुंचाने का हुक्म दिया था। दोनों पुलिस अफसरान की मौजूदगी में चौधरी परवेज इलाही को दोबारा जो है वो गिरफ्तार किया गया। दोनों पुलिस अफसरान ने अदालत के हुक्म के बरक्स चौधरी परवेज इलाही की हिफाजत नहीं की। दरख्वास्त ने सदा की कि अदालत डीआईजी इन्वेस्टिगेशन डीआईजी ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी। शुक्रिया आपका सुलेमान आवान तफसीलात से आगाह करने के लिए।